बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज के न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर व्हेन इट हैज़ मूव थ्रू 100 मीटर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो गिवन डाटा है वो हम लिखते हैं, starts from rest, initial velocity is zero, with an acceleration, acceleration a दिया हुआ है 0.5 meter per second square, और चूंकि उसने speed मांगी हुई है किलोमीटर पर आवर में, तो हम इस मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर जो स्पीड हमारी आएगी उसको बाद में किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब डिस्टेंस जो था वो भी दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 100 मीटर। वीआई गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, तो जो फार्मूला लगेगा पहले जो टू फाइंड लिख लें, टू फाइंड हमने वीएफ फाइंड करनी है, और जो फार्मूला है आप अगर गौर करें तो इस डेटा में टाइम का कोई जिक्र नहीं है, ना टाइम दिया हुआ है ना टाइम मालूम करने के लिए कहा हुआ है, लिहाजा फार्मूले में हम वो वाली इक्वेशन लेंगे जिसमें टाइम नहीं है, और वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी 2as इज इक्वल टू vf स्क्वेयर माइनस vi स्क्वेयर। तो हम जरा वैल्यूज लगाते हैं, 2a की वैल्यू क्या है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, और डिस्टेंस कितना है 100 मीटर। वी एफ स्क्वेयर और वी आई की जगह तो जीरो आ जाएगा। अब ये ज़रा 0.5 को ज़रा 100 से मल्टीप्लाई कराएं तो 50 बनेगा, या 50 को फिर 2 से मल्टीप्लाई 100, या 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो वो आपके पास 1 आता है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कराने से 100 मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड स्क्वेयर किसके बराबर आ गया वी एफ स्क्वेयर के। दोनों तरफ अगर हम स्क्वेयर रूट लें, एम स्क्वेयर इस तरफ भी और इधर भी, तो स्क्वेयर रूट स्क्वेयर के साथ कैंसिल होगा, 100 किसका स्क्वेयर है 10 का, तो 100 का स्क्वेयर रूट आ जाएगा 10, एम स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट आ जाएगा एम, एस माइनस टू का स्क्वेयर रूट आ जाएगा एस माइनस वन, वी एफ स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट आ जाएगा वी एफ। तो जो वेलोसिटी आई है, आंसर हमारा आ गया है वी एफ इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन वो कह रहा है किलोमीटर पर आवर में आपने इसको फाइंड करना है। तो मीटर के किलोमीटर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना है, ये किलोमीटर बन जाएंगे, डिवाइडेड बाई सेकेंड से। अब सेकेंड के आपने मिनट आवर्स बनाने हैं, पहले आप 1/60 करेंगे ये इससे मिनट्स बनेंगे, फिर 1/60 करेंगे इससे आवर्स बनेंगे। अब हमारी जो कैलकुलेशन है वो ज़रा ध्यान से हमने करनी है, वैसे ये वाले दो ज़ीरो जो हैं ये इन दोनों के साथ कैंसिल हो जाएंगे, और ये वाला 10 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह गया 1 किलोमीटर ओवर 1/36 आर, 36 रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ जाएगा, ये बन जाएगा 36 किलोमीटर पर आर। तो जो फाइनल वेलोसिटी हमने मालूम करनी थी इन किलोमीटर पर आर, वो आ गई है 36 किलोमीटर पर आर। और अगर आपको कोई स्टेप ना समझ आया करे तो वो कमेंट्स में जाके आप पूछ सकते हैं, इतना यूजली टाइम होता नहीं है, लेकिन चलें किसी वक्त कमेंट देख के तो आपको रिप्लाई किया जा सकता है। ये 36 किलोमीटर पर आर इसका आंसर आ गया। तो अगर आप चाहें तो एंड पे अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए वो आप लिख भी सकते हैं, क्या उसने पूछा क्या बचा, फाइंड इट्स स्पीड, तो आप लिखें जी
दस द स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी 36 किलोमीटर पर आवर. थैंक यू.